यार ये तारीखी इमारत काफी खूबसूरत है और यहाँ का नजारा तो वाकई वाह क्या बात है। यहाँ आकर वाकई दिल को बहुत सुकून मिला। यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जगह वाकई बहुत अच्छी है। मैं जब तुम फ्री होता हूँ मैं खुद ही तेरा केला आता हूँ। यार मैं तो तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर आ जाया करो, आज हम एक फौज से इकट्ठे हैं और आज कितना मजा आया हमें सैर करके। यार सच में आज बहुत मजा आया सैर करने। यार वो कमर कहाँ चला गया है? आओ यार उसे मिलकर ढूंढते हैं। चलाओ। देखो मरियम, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में ना दिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। अब तुम सोच लो तुम क्या करना चाहती हो। बात यह है कि मैंने तो अपने पेरेंट्स को एग्री कर लिया तुम्हारे लिए, अब देखना यह है कि तुम अपने पेरेंट्स को एग्री कर पाती हो या नहीं। अब मैं सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतज़ार है। सो हियर इज द पॉइंट, अगर तुम अपने पेरेंट्स को एग्री ना कर पाई तो प्लीज़ आज के बाद मुझे कॉल मत कर। बाय। यार कमर तुम कहाँ चले गए? यार कमर हम तुम्हें ढूंढ के थके थे यार। I'm so sorry यार, मैं जस्ट फोन सुन रहा था। चलो अब घर चले, टाइम बहुत हो चुका है। चलो यार। चली गई ऐसे कम हो गई। यार मेरी तीन चार भैंसें थी वो कहां चली गई, कहां गुम हो गई?
मेरी भैंसें ना जाने कहाँ चली गई हैं, इस जंगल में भी नहीं है, अब कहाँ ढूंढूंगा उनको। माशाल्लाह फैसल भाई, आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, कहाँ की तैयारी आज आपकी? यार वो हमारा कजन है तनवीर जो गांव में रहता है, उसी की फोन कॉल आई थी, उसी से मिलने जाना। अगर यार आपको इतराज़ ना हो हम भी आपके साथ चलें। दोस्तों साथ चलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तनवीर ने कहा था कि हम दोनों ही आए, शायद उसे कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है यार, शायद हमारा साथ जाना मुनासिब नहीं, आप लोग जाओ फिर कभी चलेंगे, वो इंतजार कर रहा होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। कहाँ जाने की तैयारी है भैया? यार हम सब कहीं नहीं जा रहे, वो हमारा जो कजन नहीं है तनवीर गांव में रहता है, और फैसल और अली भाई उससे मिलने जा रहे हैं, उन्होंने कोई जरूरी काम है इसलिए उनको बुलाया। अच्छा अच्छा, we'll be right back.
फैसल आ जाओ आ जाओ वीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाईजान, कैसे हैं आप? मिजाज कैसे हैं आपके? ठीक ठाक। कब से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, इतनी देर लगा दी यार तुमने आने में। आप लोगों को पता तो है ट्रैफिक का कितना मसला है, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। चलो अच्छा हुआ यार खैरियत से आ गए। हाँ जी यार तनवीर, आपने कॉल करके इतनी इमरजेंसी बुलाया, खैरियत तो है? और तनवीर भाई घर वाले सब ठीक ठाक खैर खैरियत से? चाची चाचा नहीं नज़र आ रहे, कहाँ पे हैं? हाँ यार लड़की वाले आए थे रिश्ता देखने मेरा, तो अब मेरे घर वाले गए, दुआ करना कि बात बन जाए। तनवीर भाई आपने मैं बताया ही नहीं यार, आपका रिश्ता देखने चले गए हैं घर वाले। बस यार घर वालों ने बताया ही नहीं है, अपनी मर्जी से वो चले गए, लेकिन चलो मैं आपको जरूर बताऊँगा, आप शादी में मेरी नसीब ना आप हमारे भाई भाई आपके साथ। वीर भाई कब मुँह मीठा करा रहे हैं? देखते हैं भाई जान, घर वाले देखने तो गए रिश्ता, तो जैसे ही कोई तारीख पक्की होती है तो जरूर आपका मीठा कराएंगे। बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यार तनवीर भाई चाचा चाची कब आएंगे? यार उन्हें कुछ दिन तो लगेंगे और खुले सर, क्यों ना फिर कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। ठंडे पानी। तनवीर भाई जब तक चाचा चाची नहीं आते आप हमारे साथ चलें। यार शतूत तो बहुत मीठे हैं यार। कहाँ पे हो? मैं तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ यार, कब से किधर हो? चलो ठीक है आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया आप? सुनाए कैसे हैं? कैसे हैं भैया आप? ठीक ठाक ठीक ठाक। आए बैठे यार बैठे, आप बैठो 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 बैठे आप। और फैसल भाईजान सुनाए? और तनवीर भैया सुनाए कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाओ यार कैसे हो? हाँ यार मैंने तुम लोगों का इतना इंतजार किया, कहाँ पे थे, इतना टाइम लगा दिया यार। बस यार वो कुछ ट्रैफिक का मसला था जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए। यार वो तो ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ, तुम्हें क्या इतना टाइम लग गया यार शर्जी? फैसल भाई वो घर में कुछ जरूरी काम था जिस वजह से मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा यार नहीं भाई आप कहाँ रह गए थे यार? यार बस क्या बताऊँ भाई मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसको पहले घर रखा फिर मैं वापस आया हूँ आपके पास। अच्छा यार फिर आप लोग बैठो मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। फैसल भाई चाय तो बहुत अच्छी बनी है यार। और सर बहुत अच्छी यार, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे फैसल भाई जान, बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। यार मैं आज तुम सब लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा क्या गुड न्यूज है जल्दी बताओ। वो गुड न्यूज ये है कि तनवीर भाई का रिश्ता तय हो चुका है। अरे यार बड़ी खुशी हुई तनवीर भाई का रिश्ता हो गया माशाल्लाह। अरे यार कांग्रेचुलेशन तनवीर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको यार। बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का।
यार वो बात ऐसे है कि तनवीर भाई ना घर पे अकेले थे, इनको भी अपने साथ ही ले आए। तनवीर भाई क्यों ना फिर तुम बस शहर के लिए चलो। चलो ठीक है यार चलते हैं, काफी टाइम हो गया यार कभी शहर नहीं देखा। आज का दिन कैसा गुजरा, एंजॉय किया आपने? हाँ यार फैसल भाई बहुत मजा आया यार आप लोगों के साथ एंजॉय किया आज। तनवीर भाई हमें बहुत खुशी हुई आप शहर में आए और आपने हमारे साथ एंजॉय किया शहर को। यार तनवीर भाई बाल कटाकर तो आप बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे। यार मैं सोच रहा हूँ कि फैसल भाई को कॉल करते हैं। हाँ यार पूछो कहाँ हो, काफी दिन हो गया उनसे कोई बात वगैरह नहीं हुई, चलो उनसे बात करते हैं। हाँ जरूर पूछो। अस्सलामुअलैकुम फैसल भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है नईम भाई, कैसे याद आई आज हमारी? मैं यार यहाँ पे तनवीर भाई के साथ हूँ पार्क में ना। तनवीर भाई के साथ? जी जी। अच्छा अच्छा वो भी साथ हैं, कैसे हैं वो? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा अच्छा किस जगह पे यार, हमारी भी मुलाकात करवाओ उनसे। जी यार हम यहाँ पाकिस्तान ग्राउंड में। ओके ओके चलो मैं भी मिलने आ रहा हूँ फिर आप। चले ठीक है जी। चलो चलो भाईजान मेरी उससे बात होगी, वो कह रहे हैं हम आज पार्क में बैठे हुए। चले चलो चलो। तनवीर भाई को वापस घर छोड़ने जा रहे हैं। गाँव में? जी जी। तनवीर भाई आप इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं यार? यार गाँव की देखभाल कौन करेगा यार, खेतों की किसी ने भी नहीं करनी मेरे सिवा। या वो सब ठीक है अल्लाह मालिक है, लेकिन कुछ दिन तो रुको यार, हम शिकार पे कहीं घूमने चलते हैं। तनवीर भाई रुक जाएं यार, अगर आप सब इसरार कर रहे हैं तो रुक जाएं। चलो यार फिर आप सबकी माननी पड़ेगी भाई। ठीक है जैसे आप लोगों की मर्जी। देख लो यार कितना अरसा तुम्हारे पीछे अपना टाइम को वेस्ट किया है, और उसके बाद भी तुम कभी भी कुछ भी नहीं ऐसा सोचती जिसके बाद मैं अपने दिल को थोड़ा सा मुतमईन कर सकूं। नहीं यार देखो मैं बिल्कुल भी बहस नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं मैं बहस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यार तुम मेरे साथ एक अच्छा बिहेवियर इख्तियार करो और कुछ भी नहीं। देखो मरियम तुम्हारे पास सिर्फ एक दो दिन का टाइम है, उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा, इसलिए अगर देखता हूँ तुमने अपने पेरेंट्स को एग्री कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आई एम सो सॉरी अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे तनवीर भाई कैसे हैं आप? आपको भाई यार आपके आने की तो बहुत खुशी हुई मुझे। अरे यार कमल भाई कैसे हैं आप? यार मुझे तो दो दिन हो गए यार। अच्छा तुम कहाँ थे यार? तनवीर भाई मैं तो अपनी खाला की तरफ से आ रहा हूँ। अच्छा हुआ आप लोग रास्ते में मिल गए। अरे गन भी पकड़ी हुई है, कहाँ जाने की तैयारी है आप लोगों की? शिकार का बोल रहे हैं फैसल भाई, इसीलिए हम सब लोग आए हुए। अरे वाह 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 यार हम सब शिकार पे जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ।
ठीक है यार भाई, हम सब मिलकर शिकार पर चलते हैं, आ जाओ। चलो यार। ये हो गया बात, तनवीर भाई आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा यार हमारे साथ। तनवीर भाई आज शिकार का बहुत मजा आएगा यार, ज्यादा फैसल भाई कितना खौफनाक जंगल है यार ये। यार बस ऐसे ही है यार, बहुत खौफनाक है यार। फैसल आज तो मजा आएगा शिकार करने का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जंगल भी बहुत घना है। क्यों नहीं यार, आज तो हमारे साथ तनवीर भाई भी आए हुए हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह यार, शिकार तो अपनी जगह पे रहा लेकिन इतना खौफनाक जंगल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा भाई। ऐसे ही है, अरे वो देख शिकार मिल गया। शिकार कहाँ पे गया यार? यार उसे यही गिरते देखा था मैंने। यार बस वो तनवीर भाई शिकार किया था, नजर नहीं आया कहाँ पे, गायब हो गया यार। हम सोच रहे थे जैसे आपको कुछ शिकार लग गया हो यार। यार एक मिनट, अली कहाँ है? यार ये आवाज कहाँ से आई है? असल भाई आपसे पहले कभी हमने ऐसी आवाज सुनी नहीं। यार ऐसा करते हैं सब फैल जाते हैं और ये देखते हैं ये आवाज कहाँ से आई है। हाँ यार ढूंढते हैं। चलो यार देखते हैं क्या है, ढूंढते हैं। सलमान क्या बात? अरे यार होश करो, उठो। अरे भाई इसे क्या हुआ यार? सलमान
सुरजीत, सुरजीत, सुरजीत होश करो यार। अरे यार ये तो कुशाज मन को क्या हो गया यार, यार यार हमें फौरी जंगल से निकलना होगा। निकलना होगा यार, ये जंगल ठीक नहीं है यार, इट्स टू मच हॉन्टेड यार। चलो यार, चलो यार, भागो। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। किससे बात कर रहे हो यार फोन पे कमर? किसी से नहीं यार, बस नईम और अली का हाल चाल दरियाफ्त कर रहा था। आज सुबह दोपहर के वाकई के बाद वो काफी टेंशन था यार। वो जंगल में पता नहीं कौन सा ऐसा खूंखार जानवर है जिसने हमारे दो दोस्तों को मार डाला और एक लापता है। हाँ यार, वैसे बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात है कि हमें तनवीर भाई का कुछ पता नहीं चला कि वो उस जंगल में कहाँ गए। सही यार, जहाँ तक मुझे लगता है ये किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी हैवान का काम है। तुम ठीक कह रहे हो यार, कल हम जाके देखेंगे, वो जो कोई भी हो हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हाँ यार ठीक कहते हो तुम, हमें उस जंगल में जाकर चेक तो करना चाहिए। यार इस जंगल में चारों तरफ फैल जाओ, अगर कोई अजीब दिखे और उसे शूट कर दो। यार हम नहीं जानते जंगल में ऐसा क्या है, बट हमें एहतियात बरतनी होगी, जितना हो सके सेफ्टी फर्स्ट।
तो जो भी है सामने तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जो भी हो सामने आओ एक बार। हे मरियम कैसी हो? नहीं 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 सुनो सुनो लिसन, नहीं आज किसी किस्म की शिकायत नहीं करूँगा। मैंने जस्ट इसलिए कॉल किया कि प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय एनी डिस्टर्बेंस टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी।